है आपदा। कक्षा 9 और 10 में आपदा का जितना भी सिलेबस है, परीक्षाओं के हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इसलिए इसको आप लोग बार बार देखना और ध्यान से देखना। 18 नंबर का हमेशा परीक्षा में इसमें से आता है, आपदा में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि आपदा किसे कहते हैं। अचानक आने वाली वह विपत्ति जिसमें जानमाल की क्षति होती है। इसमें क्षति हानि जब होती है तभी हम उसको आपदा कहेंगे। जैसे खतरा या संकट तो उसे कहते हैं जो आपदा की पूर्व की स्थिति होती है, जिसमें आपदा आने की संभावना बनी होती है। माना कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुराना भवन है जिसमें हमारा हमेशा खतरा बना हुआ है कि कभी भी टूट सकता है, वो तो खतरा है। लेकिन आपदा में क्या होगा, जान माल की क्षति होगी, मनुष्यों की, जानवरों की, पानी के पाइप टूट जाएंगे, ठीक है, बिजली की लाइनें कट जाएंगी, तो वो आपदा है जिसमें नुकसान हो रहा है। आपदा के प्रकार देखो, सामान्यतया आपदा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति की ओर से होती है, जिसमें मनुष्य का कुछ बस नहीं चलता है, और दूसरी होती है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा है बच्चों, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी उद्गार, ये तो प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित आपदा जो मनुष्य की लापरवाही से, गलती से, जैसे शराब पी करके गाड़ी चला दी, सड़क दुर्घटना, वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ठीक है, मनुष्य की गलती से गैस रिसाव हो गया, युद्ध, आतंकवाद, जंगलों में आग लगाना, ये सब मानव जनित आपदा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब है आपदा प्रबंधन के घटक या चरण। ये 4 होते हैं बच्चों। एक तो होता है तैयारी, दूसरा राहत, तीसरा पुनर्वास, चौथा निवारण या शमन। देखो, फिर है आपदा प्रबंधन की स्थितियाँ। आपदा प्रबंधन की चरण तो 4 थे घटक, लेकिन स्थितियाँ 3 हैं, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। आपदा से पूर्व हम क्या करते हैं बच्चों, तैयारी करते हैं, जैसे मॉक ड्रिल आदि करते हैं, या कहीं पे पानी निकासी की व्यवस्था करते हैं, दीवारें बनवाते हैं, ठीक है। और आपदा के दौरान अगर कहीं आपदा हो जाती है तो खोज करते हैं, ढूंढ खोज, राहत पहुँचाते हैं, पुनर्वास, उनको दूसरे स्कूल, पंचायत घर, कहीं पर उनका रहने की व्यवस्था करते हैं। निवारण या शमन में उनको कहीं दूसरी जगह पे उनका बसेरा करते हैं, उनके लिए ज़मीन आदि की व्यवस्था करते हैं। आपदा के बाद की स्थिति है, आपदा के दौरान राहत और पुनर्वास, और आपदा के बाद निवारण या शमन, ठीक है। अब अगला है बच्चों सुनामी। देखो, अभी आपने प्राकृतिक आपदा में एक सुनामी था। सुनामी जो है बच्चों, ये एक जापानी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुधन नामी। सु का अर्थ तो होता है बंदरगाह, और नामी का अर्थ होता है लहरें। अर्थात ये हमेशा कहाँ आएगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में आएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है ना, तो भूकंप आ जाता है उस ज़मीन में, ज्वालामुखी या भूस्खलन आ जाता है, तो जिसके कारण समुद्र की लहरें, बहुत विनाशकारी लहरें उठने लगती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इससे पहले 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी बच्चों, जिसका अभिकेंद्र इंडोनेशिया में था, और उसने 11 देशों को, भारत सहित 11 देशों को उसने प्रभावित किया था। भारत में देखो, जब आप रामेश्वरम, कन्याकुमारी, साउथ वाले हिस्से में जाएंगे तो अभी भी इसके निशान वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कितने गाँव के गाँव इससे डूब गए थे, ठीक है। और सुनामीटर क्या है, एक यंत्र है बच्चों जो हमको सुनामी की पूर्व सूचना देता है, ठीक हो गया। अब है मानव जनित आपदा क्या है। देखो, मानव जनित आपदा के कुछ उदाहरण इसने इसमें दे रखे हैं आपको। जैसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, ये दोनों जापान के शहर हैं, अमेरिका ने परमाणु बम फेंक दिए थे बच्चों, जिससे हजारों लोग इसमें मारे गए, और अभी भी इसका असर वहाँ के लोगों पर, अभी भी उनके स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिलता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, उसके दौरान की ये घटना है, जब ये हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी, उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ था, ठीक है। ये मानव जनित आपदा है। और ऐसी 2-3 दिसंबर को मानव भूल के कारण, देखो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, 1984 ईस्वी में वहाँ पर एक गैस का रिसाव हो गया था, जिससे वहाँ पर भी हजारों लोग मारे गए, और जो उसके बाद जिंदा भी हैं अभी भी, उनकी जो पीढ़ियां हैं, तो किसी न किसी बीमारी से, या तो अपाहिज पैदा हो रहे हैं, या कोई अंग उनका वह है, स्वास्थ्य उनका हमेशा ढीला रहता है, तो उसका असर अभी भी वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, ठीक है, ये भी बहुत हानिकारक था।
अब अगला बिंदु है हमारा प्राथमिक सहायता, किसे कहते हैं। देखो, डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज को दी जाने वाली सहायता जो होती है उसको प्राथमिक सहायता कहते हैं। जब उसको कोई चोट लग जाती है या कोई सांप ने काट दिया, डूब गया, तो डॉक्टर के आने तक हम उसकी जो मदद करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, वो कहलाती है प्राथमिक सहायता। ठीक है। खोज और बचाव दल के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, इनके उद्देश्य होते हैं संकट में फंसे लोगों की सहायता करना। जैसे कहीं आपदा आ गई तो खोज या बचाव दल वहाँ पर क्या काम करता है, एक तो उन लोगों की मदद करता है, हल्का फुल्का प्राथमिक उपचार करता है, उनके आवास भोजन आदि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था करता है। ठीक है। एक नीचे प्रश्न इसी में है, देखो, खोज या बचाव दल के क्या क्या उपकरण उनको चाहिए होते हैं। उनके पास हेलमेट होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, गम बूट होनी चाहिए, माना कहीं कीचड़ वाले हिस्से में, सांप जहरीले कीड़े मकोड़े वाले हिस्से में जाना है तो सीटी होनी चाहिए ताकि सूचना दे सकें एक दूसरे को, और अगर डूबने वाली जगह में है तो लाइफ जैकेट होना चाहिए जिससे कि वो डूब न सके। ठीक है। अच्छा, फिर एक है इसमें इंफ्रारेड कैमरे का मुख्य कार्य क्या है। बच्चों देखो, इंफ्रारेड कैमरा, जैसे आपदा में कोई कहीं पर दब गया है, कोई भवन टूट गया है या कहीं भूस्खलन हो गया है, उसमें कोई व्यक्ति दबा है या जानवर दबे हैं, तो इंफ्रारेड कैमरे का वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। वो क्या करता है, इसमें हमको उस अगर कोई दबा होता है तो उसके शरीर की गर्मी, ऊष्मा से उसका पता चल जाता है कि इस स्थान पर कोई दबा हुआ है, जिससे कि हम उसको वहाँ पे खोद करके निकाल सकते हैं। ठीक है। DRABC क्या है। देखो, ये प्रश्न भी बहुत बार बार पूछा जाता है। डी से होता है डेंजर, खतरे की जांच करना। आर से होता है रिस्पॉन्स, मतलब क्या अनुक्रिया है, वहाँ पे जो लोग हैं, जो दबे हैं या घायल हैं, उनकी क्या अनुक्रिया है। ए से होता है एयरवे, मतलब उनके वायु मार्ग की जांच, जिससे वो सांस लेते हैं, नाक आदि को देखना कि कहाँ पर है, दबा तो नहीं है। बी से होता है ब्रीथिंग, सांस की जांच, मतलब वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। और सी से होता है सर्कुलेशन, मतलब वायु परिसंचरण किस प्रकार का है, उसमें जीवन के लक्षण है या नहीं है, वो जीवित है या कैसा है, उसकी सांस को हम देखेंगे। तो DRABC जो है ये किसी की जब खतरे में कोई दवा है तो उसकी ढूंढ खोज के वक्त काम आने वाली चीज़ें। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें भूकंप रोधी भवनों की क्या विशेषता होती है। ये भूकंप रोधी जो भवन होते हैं, जिन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आता है वहाँ पर ये बहुत आवश्यक होते हैं। इनका आकार हमेशा आयताकार होना चाहिए। ठीक है। और अंदर फिर जो इसके कमरे बने होते हैं वो टी आकार में, एल आकार में, यू, एक्स, इस तरीके से इनको बनाया जाना चाहिए। ठीक है। और इनकी नींव हमेशा बहुत मजबूत बनी होनी चाहिए, और कोनों पर, कमरों के कोनों पर बैंड पड़े होने चाहिए। खिड़कियाँ आवश्यकता अनुसार कम से कम इसमें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर है बच्चों इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, वैकल्पिक संचार के साधन। आपातकाल में जब व्यावसायिक संचार प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाती है, जैसे हमारे मोबाइल काम करना बंद हो जाते हैं, घर में जो टेलीफोन है वो काम करना बंद हो जाता है आपदा के समय, तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है वैकल्पिक संचार के साधनों की। अब ये क्या क्या है, देखो इसमें मुख्यतया तीन दे रखे हैं, एक वायरलेस सेट, सैटेलाइट और हेम रेडियो। ठीक है। अब पहले हम जानेंगे वायरलेस सेट क्या है, इसको वॉकी टॉकी भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब कभी पुलिस वगैरह का काम या आर्मी वालों का काम होता है तो उनके पास फोन जैसा एक यंत्र होता है, नीचे अगर सिग्नल नहीं होते हैं तो ऊंचाई पे पेड़ पे जाके भी वो लोग काम करते हैं। ठीक है। ये है हाथ वाले वायरलेस सेट, संकट की स्थिति में स्थानीय क्षेत्रों में आसपास में सूचना देने के ये काम आते हैं। ठीक है। दूसरा है बच्चों सैटेलाइट। देखो, अंतरिक्ष में मनुष्य ने उपग्रह स्थापित किए हुए हैं ना, बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह, उनसे हमको सिग्नल मिलते हैं, जैसे हमारे रेडियो चलते हैं, टेलीविज़न चलते हैं। जब आपदा आती है तो बच्चों अंतरिक्ष में तो क्षति उससे नहीं होती है, वो काम करते हैं, तो पृथ्वी निवासियों द्वारा संचार सूचनाएँ सैटेलाइट के द्वारा हमको दूर दूर तक पहुँचाई जाती है। तो ये भी एक हमारा वैकल्पिक संचार का महत्वपूर्ण साधन। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हेम रेडियो, इसको एमेच्योर रेडियो भी कहते हैं। ये भी एक रेडियो है बच्चों, ये अलग रेडियो नहीं है, लेकिन इसके जो नियम होते हैं वो एक विशेष प्रकार के होते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है अधिक होती है, मतलब इसमें जो सिग्नल होते हैं हर स्थिति में, चाहे आपदा के समय सामान्य जब संचार के साधन काम नहीं कर रहे होते हैं, सिग्नल नहीं होते, तो वहाँ पर भी ये काम करता है, हर क्षेत्र में कार्य करता है, और बहुत कम ऊर्जा की इसमें आवश्यकता होती है। अर्थात माना बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, लाइट नहीं है, उसके बावजूद भी इसको आप बैटरी से, जनरेटर से, बहुत कम ऊर्जा से भी इसको चला सकते हैं, हेम रेडियो या एमेच्योर रेडियो। ठीक है बच्चों।
अब है इसमें कुछ इसके पार्ट हैं, जैसे एक पार्ट आपको मिलेगा भूकंप, ठीक है। तो ये भूकंप क्या है, देखो आपने पढ़ा था भूगोल में कि आंतरिक और बाह्य हलचलें होती हैं पृथ्वी में ना, अभी भी लगातार चल रही हैं, जिससे हमारी पृथ्वी में निर्माण होते जाता है। आपने देखा कि अंतर हमारी जो ऊपर की जो चट्टाने हैं आपस में, कुछ चट्टाने एक दूसरे से अभिक्रिया करके दूर खिसकती हैं, कुछ नज़दीक आती हैं, है ना। तो इन हलचलों से क्या होता है, कभी कभी हमारी पृथ्वी की ऊपरी जो सतह होती है उसमें कंपन होने लगता है, तो इसी को कहते हैं भूकंप, ठीक है। और रिक्टर स्केल से इसको मापा जाता है, इसको भूकंप रोधी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे हम भूकंप की जांच करते हैं, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्र है बच्चों, ये जोन 5 में आता है। पूरे भारत को भूकंप के हिसाब से 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, और सबसे खतरनाक जो होता है जोन 5 होता है, हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और गुजरात वाला जो क्षेत्र है जोन 5 में आता है। भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील इलाका है हमारा, ठीक है। और दूसरा है इसमें भूस्खलन। ये क्या है, भूस्खलन भी आप जानते हो हमारे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है बरसात के सीज़न में ना, जब हमारी चट्टान या कोई ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा एक साथ खिसक जाता है, उसके आसपास के पेड़ पौधे भवन सड़कें सब खिसक के दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, तो उसको कहते हैं भूस्खलन, ठीक है। और अगला है बाढ़। अब बाढ़ क्या है बच्चों, देखो नदी के द्वारा विशेषकर ये भी कब आती है, बरसात के समय में, है ना। इससे क्या होता है, अचानक ज़्यादा बारिश होने के कारण नदी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, और कोई बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, पूरे खेत खलिहान भवन सड़कें सब डूब जाती है, जिससे लोगों का इधर उधर जाना रुक जाता है, ठीक है। और त्वरित बाढ़ क्या है, जो अचानक आती है। कुछ बाढ़ तो है कि पहले से हम मान रहे हैं कि इस ये क्षेत्र बरसात में डूब जाएगा, लेकिन त्वरित बाढ़ अचानक तुमको पता ही नहीं चलेगा ऊपर बारिश हो रही है और यहाँ पूरा क्षेत्र पानी से भर गया, तो ये त्वरित बाढ़ हो गई। अच्छा, चक्रवात क्या है, देखो गोल गोल घूमने वाली हवाएं, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है इसको भरने के लिए जब तेजी से चारों ओर से हवाएं आती हैं और पूरा गोल करके घूमने लगता है, जिससे चीज़ें ऊपर उठने लग जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं, तो चक्रवात ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा आदि में ये भी ज़्यादा आता है। एक है बच्चों आपदा में आपका सूखा। अब ये सूखा क्या है, देखो जैसे गुजरात है राजस्थान वाला क्षेत्र है, कभी कभी हमारे क्षेत्रों में भी बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, जिससे क्या होता है ज़मीन बिल्कुल सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं, है ना। और कृषि जो है विशेषकर नुकसान इससे किसको होता है, कृषि को पूरा सूख जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला है इसमें ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। ये जो होती है बच्चों हर गांव में होती है, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति बनी होती है, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधान या सरपंच, और सदस्य गांव के लोग होते हैं। इसका काम क्या होता है, आपदा के समय गांव के लोगों की मदद करना या उनकी सहायता करना और आगे तक इसकी सूचना देना, ठीक है। अब जैसे गांव में इसका अध्यक्ष प्रधान या सरपंच होता है, ऐसी ब्लॉक में भी एक आपदा प्रबंधन समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है ब्लॉक विकास अधिकारी। जिले की भी एक आपदा प्रबंधन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, ठीक है। ये कभी कभी एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, राज्य का आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है या जिले की आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। राज्य का आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव, और केंद्र देश की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक आपदा प्रबंधन समिति होती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री या मुख्य सचिव होता है, ठीक है। और आपके विद्यालय में भी आपदा प्रबंधन समिति होती है, देखो हर ताकि विद्यालय में अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो इससे बचा जा सके, बच्चों को बचाया जा सके। और इसका आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है प्रधानाचार्य होता है विद्यालय में, ठीक है। और सदस्य कौन होते हैं इसमें, शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, कक्षा मॉनिटर भी होते हैं, और अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ SMC आदि के अध्यक्ष भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का आपदा अगर कभी आती है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है NCC का, NSS का, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस के बच्चों का, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है बच्चों में आपदा के प्रति जागरूकता पैदा करना और मॉक ड्रिल करवाना, जैसे उसकी पूर्वाभ्यास कराना। अगर माना अचानक कभी विद्यालय में कक्षा चल रही है, भूकंप आ जाएगा, तो आप कैसे अपना बचाव करोगे, आपने देखा है ना आपके विद्यालय में कई बार बाहर की टीमें आके आपको मॉक ड्रिल करवाती हैं, दिखाती हैं कि मेज के नीचे अपना सर बचाना है, और सबसे मुख्य सर जो शरीर का अंग है इसको सुरक्षित रखना, दोनों हाथों से ढक करके सर को बचाते हुए अपने को बचाना,
मेज़ के नीचे, किसी मजबूत चीज़ के नीचे, ऐसी जगह जाके या खुले मैदान में जाकर के ऐसे समय में अपने को कैसे बचाया जाता है इसका अभ्यास कराना, ये मॉक ड्रिल कहलाता है। ठीक है, कभी कभी एक नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है कि NSS का पूरा नाम क्या है, NCC का पूरा नाम। तो NCC को कहते हैं नेशनल कैडिट कोर, और NSS को कहते हैं नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना।